हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर किचन। और मैं हूँ सुमित। सॉरी, वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं। दिवाली की कब की डल जानी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। अभी मौसम ही कुछ ऐसा है। आज हम लोगों ने बनाई है डोडा बर्फ़ी। ये पंजाब की बहुत ही ज़्यादा फेमस बर्फ़ी है, लेकिन ये इसे बनाने में इसका जो प्रोसेस है बड़ा ही लंबा है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट करके इसकी मैंने वीडियो बनाई है। इसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किए हैं, इंस्टेंट वे में इसे मैंने बनाया है। उसे मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो आप लोग बताना ज़रूरी है कितना ज़्यादा सिंपल बना है। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम खोवा यानी कि मावा, 80 ग्राम चीनी। ये सारा मेज़रमेंट मैंने अपने किचन के वेइंग स्केल से किया है। अगर आपको ये वाला वेइंग स्केल पसंद आ रहा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ले सकते हैं। कमेंट में पूछने की टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले मैंने घी डाला है कढ़ाई के अंदर में, एक चम्मच। ये वही वाला चम्मच है जो हमारे घर पर नॉर्मली यूज़ होता है। एक चम्मच घी को जैसे ही हमने पिघलाया, उसके अंदर में हमने डाल दिया अपना खोवा यानी कि मावा, 100 ग्राम है ये। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम अपनी करके एक मिनट के लिए इसे हमने चलाना है। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर में बदल जाएगा। अभी ये हार्ड है लेकिन अब लिक्विडी हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा लिक्विडी हो चुका है। अब इसके अंदर में हमने पनीर को अपने ग्रेट करके डालना है। तोड़ कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, पनीर इसके अंदर में हमने अपना डाल दिया है। अब इसे हमने अच्छे से जी मिक्स करना है। अभी हमारी फ्लेम लो है, अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम करते हैं और हमने इसे भूनना है। कितनी देर हमने इसे भूनना है, लगभग 3 मिनट आपने इसे भूनना है। लगभग 2.5-3 मिनट आपने इसे भूनना है। इससे क्या होगा, इससे पनीर और जो हमारा खोवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। ऐसे ही आपको भी भूनना है जैसे मैं भून रहा हूँ। अब 3 मिनट अब हो चुके हैं। अब इसके अंदर में 80 ग्राम चीनी डाल देते हैं। 4 चम्मच इसके अंदर में दूध डालते हैं। ये वही वाला चम्मच है जो हमारे घर पे नॉर्मली अवेलेबल होता है। 4 चम्मच दूध इसमें मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर इसके अंदर में जाएगा, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून के करीब भी आप इसमें डाल सकते हैं इलायची का पाउडर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा अभी लिक्विडी टेक्सचर है, लेकिन पूरा भी लिक्विडी नहीं है। अब ये पूरा भी हो जाएगा जब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से चलाना ही तो बड़ा ही ज़रूरी है इसके अंदर में। अब हमने इसे अच्छे से जी चलाना है, लो फ्लेम है अभी हमारी, अच्छे से मिक्स इसे हमने करना है। ये देखिए, अब ये पूरा एकदम लिक्विडी टेक्सचर में बदल चुका है। अब इसके अंदर में हमने बेकिंग पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून। ये बड़ा ही ज़रूरी है बेकिंग पाउडर, विकफिल ब्रांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छे से जी हमने इसे चलाना है। अभी तक हमारी फ्लेम लो ही है, ये बिल्कुल ही एकदम लिक्विडी टेक्सचर इसका हो जाएगा। अब अपनी फ्लेम को मीडियम करें और अब इसे चलाना स्टार्ट करें। कैसे चलाना है, ऐसे जैसे मैं इसे चला रहा हूँ। कब तक इसे चलाना है, जब तक इसका पानी मत सूख जाए, जब तक ये लिक्विडीनेस इसकी ख़त्म मत हो जाए। ये देखिए, धीरे धीरे अब इसकी लिक्विडीनेस ख़त्म हो रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अगर जलने लगे तो अपनी फ्लेम को लो कर ले। अब ये बन चुका है। अब इसके अंदर में हमने चॉकलेट के सिरप को डालना है, जस्ट एक टेस्ट देने के लिए, चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए और एक अच्छा सा कलर देने के लिए। थोड़ा सा और चॉकलेट वाला सिरप इसमें मैंने डाला, हर्षी कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स इट, हमारा रेडी हो गया। अब एक हमने बर्तन लेना है, यानी कि कोई भी आप एक डब्बा सा ले ले, डब्बे के अंदर में एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से आपने लगा लेना है। सॉरी गाइस, बोलते समय कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, क्योंकि मैं 1 टेक में शूट भी करता हूँ, 1 टेक में एडिट भी करता हूँ, 1 टेक में वॉइस ओवर भी करता हूँ। मेरी आदत नहीं है हर एक चीज़ को बार बार री एडिटिंग करने की, उससे आपको नकली वीडियो मिलेगी। जो मैं ओरिजिनल हूँ वही ओरिजिनलिटी है, वही इस वीडियो में है। ठीक है जी, अब इसे हमने अच्छे से इसमें डाल दिया है एक डब्बे के अंदर में। इसके ऊपर से हमने काजू और बादाम को बारीक एकदम काटा हुआ है। अगर आप शेफ़ नाइफ का यूज़ करेंगे तो इतना बारीक आपका भी कट जाएगा।
बड़े ही आराम से। शेफ़ नाइफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हमने क्या करना है, काजू और बादाम को ही थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे दबा देना है जिससे कि ये चिपक जाए। अब गैस इतना अब हो चुका है, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर अब हमने इसे साइड में रख देना है, आधा घंटा, उसके बाद में फ्रिज में एक घंटा। ठीक है, एक घंटा ये फ्रिज में रखा हुआ है, एकदम ही अब ये सेट हो चुका है। अब इसे हमने निकाल लेना है। कैसे इसे निकालना है, बस एल्युमिनियम फॉइल के साथ में इसे निकाल ले और फिर एल्युमिनियम फॉइल को हर एक जगह से उतार दे। बड़ी आराम से उतर जाएगा सारा एल्युमिनियम फॉइल साइड में। अब एक शेफ़ नाइफ़ को लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। अगर आप नॉर्मल नाइफ़ की यूज़ करेंगे तो भी कटिंग हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक्चुअली मुझे आदत ही हो गई है ना इस नाइफ़ की, इसलिए। अब ये देखिए, ये हमारी डोडा बर्फ़ी रेडी है। दिवाली पे इसे बनाएं, बड़ी इंस्टेंट बन जाती है, बड़ी जल्दी बन जाती है। दैट्स इट, हमारी प्लेटिंग भी डन। बड़ी सिंपल सी प्लेटिंग मैंने रखी है। ये देखिए कैसी अब लग रही है, अब ये तो आप ही बताएंगे। और अगर बना के अपने घर पे खाने के बाद में बताएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये बिल्कुल ही दानेदार आपको लगेगी अंदर से, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है, काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं, उससे दाने बन जाते हैं। कुछ चीज़ें अलग अलग हो जाती है, उससे अलग अलग दाने बन जाते हैं। और एकदम ये दानेदार आपको लगेगी, बड़ी आपको ये टेस्टी लगेगी, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम लोगों ने तो इसे खा लिया है, अब आपकी बारी है। बाय बाय, लव यू, सब्सक्राइब कर दो तो।